इद्री को सौ लीला भी आनंद कुंडे सत्यव्रत मुनि तृतीय श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण लोकवत्तु लीला कैवलम मनुष्य के भांति लीला आदि कर रहे हैं, विशेष करके बाल लीलाओं के द्वारा। सत्यव्रत मुनि अभी बाल कृष्ण के बाल लीलाओं में मानो अभिष्ट हुए, उस बाल लीलाओं की कथा वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अहो कृष्ण कैसे सुंदर बाल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों के आनंद सरोवर में नित्यकाल सराबोर करते रहते हैं। और मानो इसी के द्वारा कृष्ण समझाते हैं कि ऐश्वर्य प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं हूँ, ऐश्वर्य शिथिल मोर नहे मोर पिता। भगवान भी कहते हैं मैं ऐश्वर्य प्रेम के द्वारा वह ऐश्वर्य मार्ग भक्त के निकट मैं प्रसन्न नहीं। भगवान संपूर्ण रूप प्रसन्न किससे होते हैं, न माधुर्य भक्त के प्रेम माधुर्य के द्वारा, क्या बोला, माधुर्य भक्त के प्रेम माधुर्य के द्वारा मैं वशीभूत, वही मेरा आनंद होता है। अर्थात वैकुंठ अयोध्या द्वारका और मथुरा आदि में जो भक्त लोग रहते हैं उनके जो प्रेम जो है उस प्रेम के द्वारा मैं संपूर्ण रूप से वशीभूत नहीं होते। क्यों न उनके प्रेम हमारे प्रति जो प्रेम है ऐश्वर्य मिश्रिता प्रेम, प्रेम मिक्स्ड विथ अपुलेंस। वो अपुलेंस क्या है, अपना के बड़ा माने, कृष्ण के जो है बड़े मानते हैं अपने को छोटा मानते हैं। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में जितने भी भक्त है वो कृष्ण के क्या मानते हैं, भगवान के श्रेष्ठ मानते हैं और अपने को हीन मानते हैं है? किंतु गोलोक वृंदावन में इसके उल्टा हो जाता है, अपना के बड़े माने। वो सबलत भक्त लोग कृष्ण से अपेक्षा अपने को बड़ा सोचते, मैं श्रेष्ठ हूं। कृष्ण कैसे है, कृष्ण के वास्तव कोई शक्ति नहीं है। तो कृष्ण जब ब्रज में इतने बड़े बड़े कार्य जो साधित करते हैं करात करते हैं, जैसे पुतना के बाग मार दिया, सकड़ासुर त्रिनावर्त अघासुर बकासुर ऐसे बड़े बड़े असुर के पछाड़ दिया, कलिया दमन के ऊपर कलिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया, क्या कि नहीं किया है, और गिरिराज गोवर्धन के उठाया, ये कोई साधारण व्यक्ति है, इतना विशाल गिरिराज गोवर्धन की बाएं हाथ में छोटे अंगुल में उठा लिया है, ये कोई साधारण बात है क्या, बताओ, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसी के कहा जाता है अतिमर्त्य लीला भी कहा जाता है। अतिमर्त्य लीला माने अति मनुष्य से भी आश्चर्य लीला, मनुष्य के लिए ऐसे संभव नहीं है। 5 किलो वजन उठाने में हमारे कष्ट होता है, नीचे से जीना चढ़ करके ऊपर आने में भी आपके कष्ट होता है, पैर थक जाता है, और कृष्ण इसने विशाल गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और कैसे 7 दिन
सात रात है। दस मिनट आप हाथ उठा करके भी उठा करते भी कष्ट होता है, है? और दूसरी बात होता है लज्जा भी आता है, जब हम कहते जय जय श्री राधे, कोई इतना करता है, कोई इतना करता है, है? सीधा भी नहीं करता है, एक आलस्य एक लज्जा के उठाए बेकार बेकार में कौन से उठाए, आज सब लोग उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा तो क्या होता है बेकार है, एक लज्जा और एक क्या बोला आलस, अच्छा कि नहीं होता है। और कृष्ण ने क्या की, सात दिन सेवन डेज सेवन नाइट्स है, इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन की उठा ली है, आ जाए खड़े रहे, ब्रजवासी लोग कीर्तन करते हैं है, कहने या तू ऐसे कैसे उठा लिया, क्या कहते हैं है? ये मेरा मैया ने मक्खन खिलाया है, कुछ मक्खन वाह, कुछ जो मैंने जो मक्खन खाए ना है, उस मक्खन के बल पर मैं उठाई, और कुछ गोपन की सहाय है, गोप बालक ये कुछ लट्ठी के सहारा दे। अच्छा ये बात सत्य है, गोपन के गोल वाल के लठिन को सहारा देकर के थोड़ी उठाया क्या है, ये सत्य नहीं है, ये लोगों की उसी लोगों के दिखाने के लिए है, तो भगवान है, है? और ये क्या विश्वान ओके नंदिनी वो राधे जी को कैसे कृपा से, आंखों की इशारा राधा जी ने क्या की, हमारे कैसे कृपा राधा जी की, वो आंखों की बल पर है, यहाँ तक भी कहता राधा जी कहते हैं मैं तो गिरिराज को उठाया कैसे, मेरे आंखों की बल को है, यहाँ तक भी राधा जी कह दी हे गिरिराज गोवर्धन थोड़ी सी हिल गया वह ऐसे हो गया अननी हो गया तो मैं तुमको या भस्म कर दू है, ब्रज के रसखान और ऐसे कीर्तन बहुत सुंदर मीठा मीठे कीर्तन है, है? तो यह पर कहने कहने की तात्पर्य है इद्री का सलीला भी आनंद कुंडे, इद्री का मने जो इस प्रकार दामबंधन आदि परम मनोहर बाल लीलाओं के द्वारा भगवान की ऐसी सुंदर जो ब्रज की जो लीलाएं जो है वो परम मनोहर है, हृदय के आकर्षित करने वाले है, चित्त के जो है अत्यंत मोहित कर देते हैं, राम आदि अवतारों भी तो लीलाओं ने कहे किंतु यदि हम तुलनामूलक विचार करें कंपेयर कर लीलाओं के द्वारा, किसके लीला, रामलीला के द्वारा, रामलीला भी बहुत सुंदर है, रामचंद्र की बाल लीला कुछ लीलाओं जो है वो अत्यंत जो है हृदय स्पर्शी लीला है, जैसे एक दिन ने कहा था ना माँ कौशल्या ने बालक राम को खाने के लिए दिया है, बालक रामचंद्र खाना नहीं जानते, कभी कभी बालक अपने हाथ से उठा कैसे खाना है ऐसे अंगुल के ऐसे कर देते, पूरा अंगुल के घुसा देता है, है? और खाना जितने भी है वो नीचे गिर जाता है, है? छोटे छोटे बालक के आप लक्ष्य नजर कर ध्यान से देखिए कैसे खाते हैं, खाना भी नहीं जानते हैं, उनके चावल जो कुछ दे दिया वो ऐसे उठाएगा, वो जानता नहीं है ये थोड़ा अंगुल के जो है टेढ़ा करना, वो ऐसे ही ले लेता है और ऐसे कर देता है, वो सारे निकाल गिर जाता है, देखा ना अभी है, हम लोग खाते हैं ऐसे करके उठा करके ले जाते हैं,
एक भी दाना गिरेगा नहीं। किंतु बालक जो छोटा बालक जो है उसको पता ही नहीं है ये कैसे खाना है, पूरा सारे पांच उंगली उसके मुंह में चला जाता है, सारे खाना नीचे गिर जाता है। तो परब्रह्म भगवान राम भी ऐसी भी लीला दिखाया है, काकभूषण भी वही लीला देख रहे हैं है? देखो हमारे प्रभु के कैसे सुंदर लीला है, रामलीला भी ऐसे सुंदर है, कुछ लीला है बिल्कुल भोले भाले है, नन्हे मने बालक के भांति रामचंद्र। तो काकभूषण इस लीला को देख करके बहुत आनंद हुआ और शांति से मन में विचार करने लगे, चलो प्रभु के जो मुंह से उच्छिष्ट जो है नीचे गिर गया, दो एक दाना मुझे मिल जाए है। तो निकट में आ गया तो उन्होंने किया कि फिर बालक राम भी और कौए की भी खिलाने लगा खा है। आया समझ, जब निकट में आ गया खाने के लिए कोई बाएं हाथ में हमें पकड़ने की चेष्टा की है, बालक है ना, तो विचार करने लगे यदि भगवान राम नहीं हो और मुझे पकड़ लिया तो गला तो वहीं पर दबा देंगे है, संशय हो गया है। फिर इसलिए के पीछे हट गया, जब पीछे हट गया देखने लगे फिर बालक राम जा छोटा बालक वहां थे कैसे करने लगे, रोने लगे माया 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 माया। तो इसको देखकर काकभूषण के और भी संशय हो गया, अरे बे मेरा प्रभु है, अब मैं उनके भृत्य हूं है, भगवान में क्या है सर्वांतर जामित है कि नहीं, भगवान में एक गुण क्या है सब अंतर जामी, मैंने हमारे समस्त हृदय को जानने वाले हैं, क्या ये नहीं मुझे पहचान नहीं पा रहे ये मैं उनके सेवक हूं है? और मुझे देख करके मैंने काकभूषण जी कह रहे हैं मुझे देख करके राम डरने लगे, कोई के भय से भीत हो करके हैं और जोर जोर से रोने लगे हैं। मैं देख करके आश्चर्य क्या करूं हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा उड़कर चले जाऊं दूसरे स्थान पर चले जाऊं हैं, और मैं उड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए और देखा वो राम के हाथ हमारी तरफ आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, अनंत विश्व ब्रह्मांड में घूमने लगे और अंत में थक गया, कहीं ये बालक मुझे ना पकड़ ना दे है। मैं तो प्रभु के स्मरण करने गए, प्रभु क्या आप हो है कौन है, ऐसे मैंने आंख बंद करके मैंने काकभूषण जी कह रहे, किसको कह रहे, गरुड़ जी को सुना रहे अपने कथा है। तो आंख बंद करके मैं क्या करूं, धनस्थ हो गए और उसी धन में मैंने फिर भगवान रामचंद्र की मुंह के अंदर होते हुए उनके पेट में आ गया, पेट में देखा अनंत ब्रह्मांड में वही लीला चल रही है, ये बालक राम कैसे खा रहे हैं साधारण छोटे बालक के भांति है। मैं हैरान हो गया, कहते ये है क्या, फिर भगवान रामचंद्र हंस दिया, मैं बाहर आ गया तो समझ में आ गया प्रभु आपके लीला कौन समझ सकते हैं। जिससे ब्रह्मा जी स्तुति में कहते हैं अताति देव पदाम मुझे देव प्रसाद लेसानुगृहीत एव ही जानाति तत्तंग भगवान महिमनो नचान्नम एको ओपी चिरान विचिन्न, चिरकाल तक इस संसार में कोई भ्रमण करते रहे, वेद वेदांत आदि शास्त्रीय अध्ययन भी कर ले, किंतु हे प्रभु आपके कृपा बिना आपके तत्व कोई समझ नहीं पाते, आपके नाम ही तो अनंत है, भगवान के नाम क्या है अंत है, ना कहाँ कहाँ है कौन समझ पाए, जानंत ही वो जानंत भोक्ता में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मस्तुति में श्रीमद्भागवत में ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी करें जानंत ही वो जानंत भोक्ता में, जो कहते हैं मैं भगवान की लीला कथा को समझ लिया जान लिया, बोले कि कहने दो वास्तव रूप में प्रभु की लीलाओं को समझना संभव नहीं है।
जा रे देव जनाए तिहा जाए, भगवान जो कृपा करके इसको जना देते हैं, समझा देते तो समझ सकते हैं है? तो यह पर भी कर दें भगवान के सर्व मनोहर अर्थात रामलीला तो मधुर भी है, है? किससे किंतु उससे भी अधिक लीला किस में है, लीला माधुर्य कृष्ण में दिखाया गया है। कृष्ण की सभी लीलाएं जो है इतने मधुर है, क्या बाल लीला, सख लीला और है जौवन लीला है, अर्थात गोपियों के से जो रास बिहार आदि की, ये लीला में एक विशेष मधुरता है, इसलिए कह रहे इद्री कसो लीला भी, लीला भी बने इस प्रकार अनेकों लीला आदि के द्वारा, कौन कौन लीला आदि के द्वारा है, दो चार भी याद कर लिया जाए, क्योंकि भगवान की अनंत लीलाएं तो है, अनंत लीलाएं हैं, किंतु अनंत लीला करने से दो चार लीला हम याद कर ले तब तो इत्यादि कर देते हैं है? छोटा बालक गोपाल अभी एक डेढ़ महीने की हुआ है, अभी यहाँ तक भी छोटा बालक उनकी भी पता नहीं है माँ की स्तन कैसे पान करना है, आज नहीं, कभी कभी बालक देखेंगे वो क्या करते हैं, अपने भूख लग जाता है वो अपने अंगुली लेकर के चूसता रहता है, है ऐसे चूसते रहते हैं। कई कई बालक जो है रोते जब है ना उसके माँ क्या करते हैं है? वो क्या मिलता है ये नेपल मिल जाता है, वो सोचता है माँ मैं माँ की स्तनपान कर रहा हूँ है करके रोता है, और माँ बोले हम काम में जाना है नहीं इसे स्तनपान कर रहा हूँ, मानो रसोई बनाना है कि दूध गर्म करना है, तो बालक के क्या करेंगे स्तनपान करते हुए तो नहीं कर नहीं पाएंगे, इसलिए बालक के सुला देते हैं, बालक रोना शुरू करते हैं तो माँ ने क्या कहते थे वो निपल के एक जो है प्लास्टिक बाजे से है उसको दे देते हैं, और उसको सोचता है मैं दूध पान कर रहा हूँ है कि नहीं, या दूध फूध कुछ है ही नहीं है, ये करते रहते हैं बालक, इसमें कर क्या बोले कृष्ण छोटा भी ऐसे भी करते जा रहे हैं, सर्वज्ञ होते हुए पर भी है मुग्धता, स्वयं भगवान है जानते हैं ये तो प्लास्टिक है निपल, प्लास्टिक निपल है इसमें दूध फूद कुछ है ही नहीं है, और वास्तव में दूध भी नहीं आ रहे है, किंतु सर्वज्ञता हो सर्वज्ञ होते हुए पर भी बिल्कुल भोले भाले है ऐसे कार्य करते हैं, सर्वज्ञता और मुग्धता है, यही तो भगवान की लीला है, ये विशेष वैशिष्ट अधिकार है। तो एक समय माँ जसोदा ने कहा कि बाल गोपाल के वही मानो एक निपल दे दिया और फिर काम करने लगे, किंतु गोपाल ने कहा कि जो दूध नहीं आ रहे हैं उसमें तो है ही दे दूध, वो तो आर्टिफिशियल है, है? आर्टिफिशियल निपल था, तो बालक कुछ समय के बाद दो चार मिनट जब दूध नहीं आ रहे हैं कुछ नहीं तब तो रोना शुरू करते, बेकार फेंक देते हैं है? जोर जोर से के रोना शुरू कर देते हैं, तो माँ जसोदा मानो सारे कार्यों के जो है कामों को छोड़ करके फिर अपने स्तन को पान कराते हैं, वो भी बालक ऐसे है, पता नहीं है माता स्तन कहाँ है, बालक ऐसे ऐसे स्वभाव हो जाता है छोटे छोटे बालक है, जब भूख लगते हैं वही करते हैं जहाँ तहाँ जो है होंठों के लगा करके वो चूसता रहता है, है? ठीक उसी प्रकार गोपाल सर्वज्ञ भगवान होते हुए पर भी बाल गोपाल ऐसी लीला कर रहे हैं और ऐसे करते रहते हैं। फिर माँ जसोदा ने किया कि अपने स्तन का अग्रभाग पकड़ करके
बाल गोपाल के मुखार बिंद में प्रवेश करा है। टीकाकार इसी वर्णन करते जा रहे हैं। बालक नहीं जानते हैं ये माँ के स्थान कहाँ है, कहाँ से लगाने से चुसने से दूध आएगा वो भी पता भी नहीं। जहाँ तहाँ मुँह के लगा करके वो चुसना शुरू कर देते हैं अनेक। और फिर माँ जशोदा क्या करते हैं, अपने हाथ से अपने स्तन के अग्रभाग में पकड़ करके बाल गोपाल के मुख में प्रवेश कराते हैं। तो अब गोपाल, और इस पर कुछ समय के बाद बालक की स्वभाव जैसे होते हैं जम्भाई ले लिया थोड़ा सा नींद आई, भोजन के बाद पेट भर गया, दूध पी लिया, और फिर क्या होता है, बालक की नींद ज्यादा होता है। वृद्ध और बालक की जो है अधिक नींद होता है। कितने घंटा सोते हो आप, कितने घंटा सो जाते हो? 8 घंटा सोते। बालक कितने घंटा सोते हैं जानते हैं? छोटा बालक जो है ज़्यादा सोते, 18 घंटा सो जाते हैं, 17-18 घंटा सो जाते हैं, 6-7 घंटा जगते रहते छोटा बालक जो। फिर जितने बड़े होते हैं उनके नींद उतने कम होते जाते हैं फिर 12 घंटा सोते हैं, फिर धीरे 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 से हो जाता, कम हो जाता है कि नहीं। और जितने उम्र होते जाएगा माने युवाकाल होते जाएगा नींद कम हो जाएगा 4-5 घंटा नींद हो जाता है। फिर जब बुढ़ापा आ जाएगा आफ्टर 50 और 60 फिर नींद ऐसे होती जाएगी। किसी का नींद नहीं होता तो दूसरी हो जाता, बीमार पड़ जाता है। किंतु वृद्ध काल होने से फिर नींद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कि शरीर में कैल्शियम जो आदि है वो कम हो, शरीर की जो पोटेंशियल जो वो कम हो जाता है। तो इसी प्रकार बाल गोपाल माँ जैसे के स्तन पान करने के बाद थोड़ा आधा नींद भी आ गई और उन्होंने किया कि गोपाल ने की जम्भाई ले ली गोपाल ने, जम्भाई छोटा मुख है, इतने सुंदर सुकमल मुखारविंद, मुख के गहर भी दिखने में कितने सुंदर है, लाल लाल आभाजुक्त है आसन है। कृष्ण तो कृष्ण वर्ण है किंतु उनके अधरोष्ट कैसे है, लालिमा युक्त है, लाल लाल युक्त है। और गोपाल ने क्या कि छोटे बड़े मानो आँख बंद हुआ है व अर्धमुद्रित तो आँख है, थोड़ा आँख ये हुआ है और बिल्कुल सामान्य मनुष्य बालक के भांति गोपाल जम्भाई ले लिया। और जब माँ जशोदा देखा क्या गोपाल के मुख गहर में, मुख अंदर में क्या है, अनंत ब्रह्मांड ऐसे घूम रहे यहाँ तक भी माँ जशोदा देखे, उसी गोपाल के मुखारविंद अपने की भी देखा ब्रह्मांड की जो गुलाब सूर्य घूमते हुए देखा और साथ ही साथ देखा अपने को देखा, देख करके माँ जशोदा की क्या हुआ विस्मित हो गई, क्या बात हुई हमारे बालक को, ना कोई भूत पिशाच आदि उनके पकड़ लिया ना क्या, मैंने क्या देखा। इसलिए माँ जशोदा ने क्या कि आहु न ब्राह्मण, ब्राह्मण को जो है बुलाया है, उनके द्वारा झाड़ फूड कर दिया देवता आदि के मंत्र आदि जप करा दिया स्वस्तिवाचन करा करके, देवता आदि के मंत्र आदि द्वारा स्वस्तिवाचन करा करके और उस स्वस्तिवाचन के जल मंत्र पुत्र जल जो है गोपाल के ऊपर छोड़ दिया और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे कृष्ण संग भगवान है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के कृष्ण के मुख गहर में तो देखा
देख करके माँ जैसे देखिए विश्वास नहीं है। ये गोपाल भगवान है, देखिले ऐश्वर्य नामनी ऐश्वर्य है। एक बार नहीं दो दो बार गोपाल ने अपने मुखगहर में मुखार अंदर में अनंत को विश्व ब्रह्मांड भी दिखाया, और एक बार माँ जोतो के देखे यमुना के तट पर जहाँ पर हम लोग जाते हैं कहाँ ब्रह्मांड घाट में कृष्ण छोटे छोटे ग्वाल बाल के साथ खेल कूद कर रहे थे। कृष्ण एकांत में एक स्थान में जाकर के मिट्टी खाने लगे। बलदेव प्रभु ने कहा गोपाल तुम मिट्टी खाएं खा रहे हो, माँ के मैं कहा बुरा बता दूंगा। दूसरे भी बालक भी देख लिया गोपाल, दूसरे गोपाल भी देख लिया कृष्ण क्यों मिट्टी मिट्टी क्यों खा रहे। दौड़ते दौड़ते आधो आधो वाक्य से माँ जसोदा की कहने शिकायत कर दिया ये मैया देखो तेरे बेटा जो है गोपाल जो बना के मिट्टी खा रहे हैं। इस कथा के सुन करके माँ दौड़ करके आई है, गोपाल को कान पकड़ लिया एक हाथ से लट्ठी और दूसरी हाथ में गोपाल को कान पकड़ लिया। ये गोपाल तुम माँ मिट्टी क्यों खाते हो, मिट्टी खाने से शरीर में बीमार हो जाओगे है, मिट्टी खाना नहीं चाहिए बेटा है। गोपाल ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई तो क्यों, ये सखालू जो कर ये सखालू हमें चिढ़ाते रहते हैं, ये लोग हार जाते हैं मैं जीत जाता हूँ इसलिए ये लोग मेरे प्रति मेरे क्या हो जाते चिढ़ता रहता है ऐसा देश रखते हैं इतना ही तक है। तो माँ जो सदन का अच्छा ये सखाओं की बात छोड़ दो, ये तुम्हारे भाई दाऊ भैया क्यों कैसे करे है, चलो माँ जो चलो तो सखा लो कि ऐसे भाई चलो यदि ऐसे कहा है किंतु दाऊ भैया ये तो नहीं कहेंगे। तो कन्हैया ने क्या बोले आधो आधो भाषा में बोले मैया देखो मैं क्या करूं है, आजकल दाऊ भैया भी सखाओं की पक्ष ले लेते हैं है, मुझे कहते तेरे द्वारा तेरे माँ माँ के हाथ माँ के द्वारा तुमको मरवा है, इसलिए लोग झूठ मूठ शिकायत कर देते हैं। ये मैया तेरे गोपाल मिट्टी खाए, मैंने मैं मिट्टी नहीं खाई। माँ से अच्छा मुँह खोल मैं देख लेता हूँ है, तुम मिट्टी खाई कि नहीं खाई, मिट्टी मुँह में दे तो निशाना तो रहेगा है, मुँह खोल। गोपाल खोलना नहीं चाहते, माँ जसोदा ने किया एक हाथ से गोपाल के जो है कान पकड़ लिए है, बाएं हाथ से गोपाल के कान पकड़ लिए बोले मुँह खोल, और दाएं हाथ से एक छोटा लाठी दे करके शासन कर खोल मैं देखता हूँ तेरे मुँह में, चलो सुखाओं की बात छोड़ दो दाऊ भैया की बात छोड़ दो वरदेव की बात छोड़ दो है, मैं सच्चा प्रत्यक्ष प्रमाण करता हूँ है। आ समझ ये लोग भी झूठ बोलते हैं, तुम जो कह रहे अच्छा ये लोग झूठ बोला है उल्टे तब मैं तो साक्षात देख लूँ तुम मिट्टी खाई कि नहीं, मुँह खोल। गोपाल मुँह खोलना नहीं चाहते, मैया मैं नहीं मिट्टी खायो है, खोल मुख खोल है। बार बार शासन करने पर गोपाल ने क्या की अपने मुँह के सो थोड़ी सी खोल दिया। माँ जसोदा क्या देखा गोपाल के मुखार बिंदु अनंत को विश्व ब्रह्मांड है, और वही जो लीला है वो लीला ही चल रही है। देख करके माँ जसोदा के मन में एक भ्रम आ गया, क्या मुझे भी क्या भूत पिशाच पकड़ लिया ने बालक के पकड़ लिया है, आया समझियो भय होता है ना ए? कभी कभी हमारे मन में जो है ये समझता जो है अनेक प्रकार के संस्कार आकर के घेर भी लेता है ए? भूत है कि नहीं है, कोई मर जाए हम सोचते हैं वो भूत हो गया, और भूत होकर के हमारे घर में रह रहे हैं, कहीं थोड़ी सी हवा से सिक्का आदि कुछ सिक्का है ना, सिक्का समझते हो जो जिसमें मक्खन आदि घड़े में भर कर रखा जाता है क्या बोलते हैं सिक्का,
हवा से सिक्का जो है ऐसे हिलने लगे तो लोग सोचते हैं इसमें भूत आ गया, बर्तन गिर गया है, ए भूत आ गया है, आ समझे। तो इसी प्रकार अनेक शंका होता है, संस्कार का जाते है। एक बहुत सहज साहस बहुत साहसी जो लड़का था, ब्रेव साहसी लड़का था, तो ये गांव वाले के लड़कियों के साथ उनके समवयसी से गांव वाले लड़के के साथ कुछ जो है होने लगे, बातचीत होने लगे है। बोले मैं भूत नहीं मानते और कुछ नहीं करते, मेरा भूत पर भूत में मेरा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, वो लड़का करना। तो और दूसरे लड़का से ठीक है अभी तो रात 12 बज गया है, जाओ शमशान में जाओ, निकट में 200 मीटर दूरी जो है शमशान है, शमशान में जाओ और ये लट्ठी को आप गड़ करके आओ है, तब तो समझूंगा तुम कितने साहसी हो। क्यों जान तो इस शमशान में बहुत पक्के भूत रहता है, माने बहुत वरिष्ठ भूत रहते, उपद्रव मचाने भूत रहता है, और तुम भूत के विश्वास नहीं करते हो, चलो ये लट्ठी लो, दो लट्ठी लो, एक लाठी दूसरी लाठी के द्वारा ऐसे गाड़ करके आ जाओ। वो चले गए, बोले हम भूत नहीं मानते, किंतु इसमें मनी मन तो डर भाई, कुछ बोल रहे हैं तो भूत है, जल्दी जल्दी ने किया कि वो लाठी के करने लगे, किंतु वास्तव में जो लाठी जो गाड़ना था ना उनके पता नहीं, तो अपने के कपड़े के जो है कोना है ना है, है उसके ऊपर ही वो रख करके लाठी को गाड़ा है, और जल्दी जल्दी गाड़ रहे थे, एक तो डर है ही है, और जब जल्दी चलने लगे और वो क्या है कपड़ा हो गया, वो जा नहीं पा रहे, वो चिल्लाने लगे भूत मुझे पकड़ लिया, भूत मुझे पकड़ लिया, अरे भाई यार तुम लोग आई हो है। तभी सभी लोग आया, देखा तो भूत फूत कुछ नहीं है, वो अपने कपड़े को क्या कर रहे हैं लट्ठी के साथ गाड़ दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ये होता है कि नहीं, आप सोचते जब कोई भूत पिशाच की कथा सुनते हो बहुत कथा, अरे भूत भूत कुछ नहीं है, जब लाइट बिल्कुल लाइट चली जाती है, लोड सेटिंग हो जाता है, हैं थोड़ी सी हवा भी चले और आपके सामने दरवाजा बा जानला बा कुछ ऐसे हिलने लगे तो आप डरने को, भूत आ गया। मुंह में तो वो कह देते हैं मैं भूत नहीं मानते, ये नहीं करते करते हैं आज में, और सच भी भूत भी है, और भूत एक बार यदि आपके ऐसे पकड़ करके छड़ ऐसे कर दे तब तो आप तो बाबा और कभी नहीं जाएंगे है क्या जी। हाँ होता है, हमारे गुरुदेव भी कथा सुनाते थे, लोग कहते हैं भूत नहीं है, क्यों नहीं भूत है, भूत है, अच्छा वो है अपने स्थान पर है, उनको जब छेड़ोगे तब तुम्हें वो डिस्टर्ब करेगा, भूत सर्वत्र है, भूत कहाँ नहीं है, कोई कहता ना ये तो केवल भूत माने अतीत कि भूत कहा जाए, भूतकाल कहा जाता है ना, है मर करके मर गया माने कहते भूत हो गया माने अतीत हो गया, वो भूत शब्द के अर्थ होता है, एक होता है घोष्ट और एक होता है क्या, भूत शब्द का अर्थ क्या है, अतीत माने पास्ट है, क्यों घोष्ट है कि नहीं है, भूत है, जिसको क्या बोलते हैं जिन बोलते हैं, आ समझ, कुछ कुछ भूतनी जो है ऐसे जो है बिल्कुल आपके भांति रह रहे हैं, आपके पत्नी को उनके प्यार में भेज देंगे और वो बिल्कुल अपने की पत्नी के भांति आपके घर में काम करेगी, आपको समझ में नहीं आए है, ये मेरा पत्नी है कि भूतनी, भूतनी है कुछ चुड़नी भूती है, भूतनी है वो है, बिल्कुल आपके आपके पत्नी के भांति वो आपके घर में काम भी करेगी है, सारे कार्य से हम करते रहेगी है, अच्छा वो एक है उसके लक्षण क्या है, वो उसके पकड़ में ही आप रहेंगे, इसलिए सबसे वो क्या करते सबसे वो दूर रह कर सब काम कर दिए है, आ समझिए।
भूत है कैसे समझोगे, कैसे जिसको पकड़ो है वो आपका हाथ में नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगेगा है ठंडी हवा की भांति है हमारी वो परेशान कर, उनके पास 2 महीने का डेढ़ महीने तक उनके पास रही भूत भूतनी आज समझिए है, उनकी कथा सुना रहे थे है, और तू ऐसे कैसे भूतनी कैसे बने, बोले मैं पंजाब के रहने वाले है, यहाँ पर मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए आई थी अपने माता पिता शैली के साथ 8-10 जो है हम लोग आए थे, मैं आई थी है, और यही केसी घाट के आसपास में एक नाव को भाड़ा ले लिया है, और जमुना में सैर करने लगे, घूमने लगे इधर उधर, और उसमें किसी कारण से नाव डूब गई है, बोले मैं मर गई और बाकी सब तो जिंदा हुए, और मैं मर गई भूत हुई वो भूतनी हुई यहीं पर मैं किसी घर में रहता हूँ। वो कहने लगे पूछना वो हमारे परिचानंद प्रभु जो है अभी वृंदावन प्रभु गोपीनाथ भवन में रहते रसी बनाते हैं, जो आया था उसका रहता ना, हाँ मोटा जो है हाँ, उस समय तो बिल्कुल ऐसे पतली हो गए थे, मरने वाला था वो है, सारे खून को चूस लेते हैं, उनके साथ रहते थे हैं, संभाल कर बोले मैंने कहा तो उनको हाथ कोई पर्स किया, बोले जब पर्स करते ऐसे लगता है, मन में लगता है ऐसे मानो जैसे बर्फ जैसे ना हवा की बर्फ जैसे उधर ऐसे उतर, अब कुछ अनुभूत नहीं हो ठंडी जैसे हवा लगे है, मन को आपके भ्रमित कर देते हैं है? आश्चर्य जो है वो क्या करते हैं आपके मन को वो भ्रमित करके देते हैं, बिल्कुल आपके घर में आपके पत्नी की भांति वो रहेगी, काम करेगी सारे काम करेगी करेगी है, आज जरा आप कभी उनके ऊपर संदेह करे आपको डराएगी, डराती है, तुम किसी को भाई बोल दिया है मेरे सर पे तुमने देख लिया, किसी को बोल दिया तुमको मैं मार दूंगी है, और ऐसे ऐसे करने लगे है, ऐसे होते ऐसे लोग विश्वास नहीं करते, भूतनी है तो छोड़ी नहीं भूतनी है कुछ प्रकार के ऐसे कहने लगे, बोले कितने प्रकार के भूत है, अनेक प्रकार के भूत है, जो चुड़ीनी जो भूत होता है ना क्या बोलता है वो बहुत खतरनाक होते हैं है, आपको समझ में नहीं दे, बिल्कुल आपके पत्नी के जो उनके घर में प्योर में भेज दे और स्वयं आपके घर में रहेगी, काम भी करेगी, काम में उसके बहुत एक्सपर्ट है, कार्य करेगी गृह कार्य करेगी है, और धीरे धीरे आपके सारे खून को वो चूस लेते और अंत में मार देते हैं, वो डराती रहती है, कभी कभी अपने स्वरूप को दिखाती रहती है विकट स्वरूप है, आज दांत निकले हुए हैं वो ऐसे विकट स्वरूप नाक नहीं जैसे है, आपको सुनो तो आपके पीरू ये जो है लोमकूप क्या हो जाए है, हेयर स्टैंड एंड हो जाएगी है, चलो हम जो कथा जो सुना रहे हैं जो बता रहे हैं हम, ये माँ जशोदा गोपाल गोपाल की मुखारण बिंदु में अपने को और ऐसे अंत को विश्व ब्रह्मांड को देख करके विचार करने लगी है, जरूर मेरे बालक के ऊपर कोई ऊपर की नजर आ गया है, बोलते हैं ना ऊपर की नजर लग गई है, और नहीं तो मैंने ऐसे क्यों देखा है बालक की छोटा मुख में ऐसे क्यों देखा, इसलिए माँ जशोदा ने किया कि ब्राह्मण के बुला करके निशिंग मंत्र आदि जप करा करके पानी छिटकने लगे है, निशिंग मंत्र की बात आ जाते हैं, माँ जशोदा अपने बाल गोपाल की सुरक्षा के लिए अधिक रूप में निशिंग मंत्र जप करते है, बा महामृत्युंजय मंत्र जो है ऐसे महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है,
है, वहां मृत्युंजय मंत्र जप कर, जिसको जप करने से आपको मृत्यु से आप बच सकते हैं। अच्छा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम् उर्वारुक वंदन मृत्यु मोक्षमामृतम्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदन मृत्युर्मोक्षीय माम। ये मृत्युंजय महामंत्र है। इस मंत्र के जप करने से समस्त प्रकार के रोग व्याधि आदि व्याधि भूत पिशाच सब चले जाए। मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदन मृत्युर्मोक्षमामृतम्। है, ये मंत्र बहुत सुंदर है, जप करा करो। तो माँ जशोदा विचार करने लगी हमारे बालक के ऊपर कोई अपदेवता है, भूत पिशाच आदि से अपदेवता मनाते हैं, कोई सवार होगी। इसलिए माँ जशोदा ने कहा कि ब्राह्मणों को बुला करके गोपाल की जो है शुद्धिकरण करते हैं। मंत्र आदि के द्वारा जल छिटकते हैं, गंगा जल जमुना गंगे जमुने चैवस गोदावरी कावेरी नर्मदा, ये समस्त पुण्यानि तीर्थानि, ऐसे पवित्र पुण्य तीर्थ आदि के जो है ब्राह्मण जो है मंत्र आदि के द्वारा आह्वान कराते हैं और उसके द्वारा बाल गोपाल को क्या करते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं। गोबर अथवा गोमूत्र के द्वारा बाल गोपाल को शुद्धिकरण कराते, जिनके नाम ले से शुद्धि हो जाता है, आज वही प्रभु कैसे लीला आदि कर रहे हैं। ये तो इद्री का लीला है। कभी कभी माँ जशोदा बालक के खाने के लिए दिया, बालक खा नहीं रहे, रोना शुरू करे। माँ जशोदा ने पूछा, बालक तुम क्यों रो रहे बेटा? बोले, मैया ऊपर से चंद्रमा है ना, है सफेद चंद्रमा, उसके देख कर कह रही, मैया मुझे वो बड़ा माखन मुझे दे दो। माँ जशोदा कहने लगी, तुमको माखन मैं कैसे दूँ, वो माखन थोड़ी है ना, मुझे वो माखन चाहिए, ये माखन घर के माखन चाहिए नहीं चाहिए, वो दो। बालू जब रोने लगे क्या करे, तो माँ जशोदा ने क्या की, कटोरी एक कटोरी में पानी भर दिया, कुंभकर्ण ये लो, यही माखन का, माने चंद्रमा के जो प्रतिच्छवि प्रतिबिंब जो है पानी में पड़ा है, और गोपाल के बोले तुम ये माखन, हाथ दिया तो उठा ही नहीं, प्रतिबिंब हाथ में थोड़ी आता है, गोपाल रोना शुरू कर दे। फिर माँ जशोदा समझाते हैं, बालक सोनो ये माखन खाया नहीं जाता है। बोले क्यों, देखो इसमें देखो ना, थोड़ा काले पर दिखाई पड़ रहे, सफेद वो क्या बोले काले जो स्पॉट जो चुका जाता है। बोले हाँ देखो इसके मतलब क्या है, इसमें जहर है, ये माखन में जहर लगा हुआ है, इसलिए तुम यदि खाओ ना तुम्हारी नाजनी बीमार हो जाएगी, क्या हो जाए। सुनते ही गोपाल डर जाते हैं, कहते मैया मैं नहीं कर, किंतु माँ ये सुना, मैया मैं सुना दे, इस माखन में जहर कैसे आ गया, कालापन है ना जहर गया। तो माँ जशोदा ने वही कथा सुना, क्या बोले, समुद्र मंथन की कथा सुनाने लगे है। और समुद्र मंथन के समय अनेक चीज निकले है, उस समय ये माखन एक क्या बोले ये चंद्रमा भी निकले है, किंतु देखो और जिस रस्सी के द्वारा मंदार पर्वत के लेकर के समुद्र मंथन किया, उसमें भी विष भी निकला, जहर निकला, वो जहर के थोड़ा जो बूंद जो है इस मक्खन में लग गया, इसलिए काला दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बेटा इस मक्खन को भी मत खाओ। सर्व अंतर्यामी भगवान सर्व सृष्टि करता है,
किंतु माँ यशोदा जब कि ऐसे कथा सुनाने लगे, बालक देखो ये माखन ये खाया नहीं जाता है, इसमें तो जहर लगा हुआ है। तो इसी प्रकार अनेकों लीला आदि के द्वारा कृष्ण ब्रजवासी को जो है आनंद समुद्र में डुबाते रहते हैं। कभी माँ गोपाल थोड़ा सा चलना भी शुरू कर दिया, मैं कर लूँ, माँ जिसना बोले देखो आज गो पूजा करेंगे, बोले बेटा जा, बछड़ा है ना सुंदर, जो बछड़ी जो है देखने सुंदर है, सफ़ेद बछड़ा है और उनके मस्तक पर जो है सुंदर चंद्रमा के भांति छाप है, देखने सुंदर लगता है, नहीं काले बछड़ा है, काले काले बछड़ा यदि हो वा बछड़ी हो और उसके मुँह पर भी चंद्रमा के भांति धब्बा हो सफ़ेद हो, वो उसके देखने में सुंदर लगता है ना, काले के ऊपर सफ़ेद दिखाने में सुंदर होता है, देखने में सुंदर लगता है। हम लोग की याद होता है, हम लोग की जब गाय जब वो क्या बोलते हैं गर्भिणी होते हैं ना, प्रेग्नेंट होता है, दो एक तीन महीने के हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते थे, मेरा याद है, अनुमान लगाते थे ये गाय के पीठ कौन सा तरफ बछड़ा है, उस समय कहते गाय के जो गोबर आदि ना, गोबर के लेकर के पेट में थपथपा दे दे, सचमुच यदि बछड़े के जहाँ पर वो गोबर थपड़ेगा देखो वहीं पर धब्बा दागा जाएगा। कई बार मैंने परीक्षा किया, क्या परीक्षा क्या बताया, गाय जब प्रेग्नेंट हो जाता है, अभी मानो तीन चार महीने हो गया, तीन महीने हो गया, उस समय क्या करो, देखो थोड़ा गोबर लेकर के कावडांग लेकर के वो गाय के जिस तरफ मस्तक है माने अंदर में बच्चा जो है ना उस तरफ आप मार दो, देखो उनकी मस्तक बिल्कुल चंद्रमा के भांति सफ़ेद धब्बा पड़ जाएगा, यदि पेट पर लगा तो वहीं पर भी धब्बा लग जाएगा। क्या आपने कभी गाय पालन नहीं किया है, देखे हम तरह तो आइए जिस कथा में हम जो कहते जा रहे हैं उसी प्रकार माँ जशोदा कहने लगे बेटा इस चंदन इस जो है माखन के खाया नहीं जाता है, देखो इसमें जहर लगा हुआ है, समुद्र मंथन के समय चंद्रमा और ये जहर भी प्रकट, हाँ जहर भी प्रकट है, इसलिए जहर के थोड़ा बूंद यहीं पर लग गया है इसलिए ये धब्बा है, इसे मत खाओ। गोपाल कहते कि खाने से क्या होगा मैया बताओ ना, खाने से क्या होगा तुम बीमार पड़ जाओगे। इसी प्रकार माँ जशोदा बाल गोपाल के समझाते रहते, थोड़ी बड़े हो गए बाल गोपाल माँ के पूछने लगे देखो ये कौन मुनि ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े उनके दाढ़ी है आँख बंद कर, ये कौन है। तो माँ जशोदा कहने लगे देखो ये कोई संत महात्मा नहीं, इसको कहा जाता है बरगद के पेड़ कहा जाता है, तुम जिसको दाढ़ी कह रहे हो ना ये दाढ़ी नहीं है, ये क्या है बरगद के पेड़ से जो वो निकालते, क्या बोले झुरिया निकालते हैं ना जड़ के भांति थे छोटे 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 करने के एक साथ में 50-60-70 देख कर आ जाता है एक साथ, देखा तो है उसे कई बार है जहाँ पर बहुत बड़ वृक्ष बरगद के पेड़ बार पीपल के पेड़ है एक ही साथ में फोड़े छोटे 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 मैंने सूक्ष्म जो है जड़ जैसे निकालता है। तो बाल गोपाल उसे कह रहे हैं ये संत महात्मा कौन है, सर्व अंतर्जमी सबके जानने वाले और वो भगवान नहीं जानते ये बड़ वृक्ष है कि पीपल के पेड़ है कि बरगद के पेड़ है, माँ जशोदा उसे सिखाती है अरे बेटा इसको कहा जाता है क्या बरगद के पेड़ कहा जाता है, कहते बरगद के पेड़ हाँ जी बहुत सुंदर। इसी प्रकार अनेकों जब बिल्कुल नन्नी मुन्ने जो है बालक के वहाँ थी ऐसे ऐसे लीलाएं हैं, इसे कहते इधरी का से लीला भी आनंद कुंड, इस प्रकार अनेकों लीलाओं के द्वारा सारे
गोपाल गोकुलवासी के जो है आनंद कुंड में निवेजित कर देते हैं। दुआ कृष्ण कैसे सुंदर सुंदर लीला है। गोपाल कहते कि पक्षी को देख करके कहे मैया ये क्या है? है ये पक्षी है। पक्षी क्या है? जिसके पक्ष है उसे पक्षी कहा जाता है। पक्ष माने पंखा है। उस पंखा के द्वारा ये क्या करते हैं मैया तू बता। है कहने लगी ये पक्षी जो है अपने पंखा के द्वारा क्या करते हैं वो उड़ जाता है, उड़ता है ना। है तो गोपाल कहने लगे मैया मैं भी उड़ना चाहता हूँ। कहते हैं तू मनुष्य है वो पक्षी है। नहीं वो उसके जो है मुझे पंखा बना दो। गोपाल माँ से क्या बोले मैया तो मेरे भी दोनों हाथ की इस तरह पंखा बना दो तो मैं भी ऊपर उठूंगा छोड़ू। कभी कभी बालक क्या करते हैं जेद करते हैं। जेद माने हिंदी में क्या बोलते हैं हट है। नहीं मैया मुझे पंखा बना दो मैं भी ये पक्षी के साथ दो चार पक्षी उड़ करके जा रहे हैं देख करके बाद देखो ये लोग कितने सुंदर है उड़ करके जा रहे हैं मैं भी उड़ करके जाऊंगा है मुझे भी पंखा बना दो है। तो इसी प्रकार कभी कभी बाल गोपाल हट करते रहते हैं है। महापुरुष लीला में इसी प्रकार ही है हट समझते हो है। अपने विचार को जो है स्थिर रखते हैं और वही जो कहते हैं वही मानना पड़ेगा है। ये महापुरुष लीला कभी कभी सुनाते हैं देख देख आसी जतन देवासी अमर गौरंग चांदी देख देख आसी जत ब्रजवासी अमर गौरंग चांदी। अरे प्रभाते उठिया अंचल धोरिया मनी ननी दे माय बोली कांदे देख देख आसी जतन देवासी अमर गौरंग चांदे। अरे प्रभाते उठिया अंचल धोरिया ननी दे मा बोली कांदे कैसे देखो है। बंगला में ऐसे सुंदर कीर्तन है। हमारे कनाई प्रभु ना इतने कीर्तन करते थे बंगला कीर्तन सीख जाए सबको रुला देते थे है। कीर्तन के सम्राट थे वो परम गुरु महाराज के शिष्य थे वो है कनाई प्रभु है। बंगला फील्ड में जाते थे ना। अरे बंगला फील्ड में हाँ देखो हम उनके साथ मैं 24 पढ़ने गए थे मैं कनाई प्रभु और गोविंद प्रभु। गोविंद प्रभु जानते हो जो सिलीगुड़ी में जो रहते हैं गोविंद नहीं सिलीगुड़ी मठ में जो रहते सिलीगुड़ी उनके जो है शक्तिगढ़ में रहते हैं है? नहीं गोविंद प्रभु जो है परम गुरु महाराज शिष्य मैं कनाई प्रभु गोविंद प्रभु है और एक साक्षी है इसमें हम त्रिदंडी महाराज के साथ 24 पर्व में भिक्षा में चाल भिक्षा में जाते। आप लोग आप जहाँ पर जाते होते थे रहते ना कैलाश क्या बोले कई खाली है, है? वो था 81 होगा शायद हाँ बहुत साल पहले की बात तब तो तुम्हारी जन्म हुआ कि नहीं है जन्म हुआ आपके जन्म कौन से साल में हो 73 हो सकता है 10 साल तक हो गया थे 7-8 साल मठ के साथ मठ में नहीं आया उस मठ में कब है 95 में है आ समझे। और उस समय हम जाते थे हाँ त्रिदंडी महाराज के साथ। त्रिदंडी महाराज जानते हो जो सिलीगुड़ी मठ का इंचार्ज थे आया समझे शक्तिगढ़ का शक्तिगढ़ मठ के वो इंचार्ज थे है। उनकी बोलने की शैली कैसे बिना माइक जरूरत नहीं होता है हाँ नवद्वीप परिक्रमा में आए थे ना बोलते है स्वामी मारा के छे बाबरी बाबू है प्रहलाद मार के चरित्र बोलने दो बस बस बोलना शुरू कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति सो जाए ना नींद आ रहे तब से श्रील गुरुदेव नारायण महाराज कहते थे त्रिदंडी महाराज आप वक्तिता दो बस जब वो बोलते थे ना
गला उनके जाए बहुत मोटे ऐसे विशाल है हाँ समझे महाराज जो है बहुत लंबे लंबी भी थे और मोटा सटा है बहुत उनके शरीर के विशाल था उनके है खाना भी खाते थे सुबह उठ करके ही बस अन्नी करने के बाद ही उनके भोजन करना पड़ता भीमसेन जैसे है हम भी तो उनके कुछ समय सेवा टेवा किया हमारी हम दे है आज समझे बहुत मोटे तगड़ा था वो है उनके लोटा था इतना बड़ा लोटा सुबह उठ करके इतना बड़ा लोटा है डेढ़ लीटर पानी ऐसे घाट 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 कर पी लेते हैं आज समझे उनकी विचित्र लीला है वैष्णवेर गुणगान कर ले जीवेर त्राण वो हमारे त्रिदंडी महाराज है उनके मच्छरदानी क्या है मेरा एक मच्छरदानी देखा ना बहुत ऊंचा है थे ना उनके ऊंचा जो है ऐसे सिर नीचे करके वो बिस्तर में घुसते नहीं थे ऊंचा करके सीधा सीधा मोटा शरीर है ना धीरे हो जाए फिर मुश्किल हो जाता है आज नहीं ऐसे करते और वक्तृता भी देते थे बाप रे बाप है 24 परगना में बास है कोई खाली और क्या क्या लक्ष्मी जनार्दनपुर ये सब सब हम गए पूरा 24 परगना हम उनके साथ घूमा है 2-3 महीने है यही कार्तिक परिक्रमा वहाँ कार्तिक व्रत समाप्त हो जाते थे सिलीगुड़ी से आते पूरा 1 महीने कार्तिक महीने में वो सिलीगुड़ी में रहते थे है और कार्तिक परिक्रमा समाप्त हो गया और फिर देवानंद गोड़ी में आ रहे थे दूसरे दिन तीसरे दिन 24 परगना फील्ड था उनको है हम एक बार दो बार गए थे उनके साथ है बाप रे बाप है उस समय तो ये नहीं था सब रास्ता घाट सब मिट्टी का था आजकल तो सब ये हो गया सब देखने में सुंदर हो गया ये पैदल पैदल चलना जाना पड़ता था है रिक्शा फिक्शा भी उतना भी नहीं था एक रिक्शा पे वो अकेला बैठते थे वो रिक्शा वाला भी देख कर भी डर जाते थे लेकिन भी नहीं लोग हैं आ समझ में है मेरा याद है सर है प्रवचन देते और देखो हरिकथा जब उनकी जो है जिन 2-4 लोग बैठे हुए हरिकथा नहीं बोलते थे हैं अरे बाबा जा तुम लोग थोड़ा बोल दो हम लोग बोलते थे जा तुम लोग हरिकथा बोलो आज लोग मानो कभी कभी बारिश होता है ना है बादल हो गया लोग ज़्यादा नहीं आया तब कहते हैं जा है तुम लोग थोड़ा बोल दो कीर्तन कर दो और कीर्तन के बाद तुम लोग वो दिखाते हैं स्लाइड मशीन है ना वो दिखाते हैं है प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र है देखा आपने है वो स्लाइड मशीन दिखाते हैं पहले पहले बंगाल के बंगाल में जो यही था गुरुदेव की कथा सुने आपने ना है परम गुरु महाराज जी भी ऐसे स्लाइड मशीन होता है हजार के होते हैं उसके लाइट देता है और एक एक करके स्लाइड दिया जाता है वो बड़े बड़े लंबा होकर के हो जाए जैसे हमारे उपास जो है क्या बोलते हैं स्लाइड मशीन है ना वही भाई तुम लोग थोड़ा हरी कथा बोल के और वो स्लाइड दिखाओ भाई कथा हम लोग शुरू कर देते हैं कीर्तन तो करते हैं कन्हई प्रभु के कीर्तन गोविंद प्रभु के कीर्तन ये सब कीर्तन यह था है कीर्तन होती है यार मृदंग बजाते हैं हमारे वो एक था चले वो शरीर छोड़ दिया कि नहीं वो पतला हो करके जो है मृदंग बजाता है वो धड़ मृदंग धक 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 है मृदंग बजाना और थोड़ी देर 150-200 लोग जो हो गया है जब कहते हैं महाराज कभी कभी जब कीर्तन होता है जम जाता है तो अपने रूम से निकाल कर खाती इतना लोग बड़े भास सेवक के बोलना नहीं है कुछ नहीं है दौड़ करके आकर के हैं आ जाते थे अरे हम लोग उसके लिए तो आसन नहीं बिछाया कुछ नहीं बिछाया है आप महाराज संग आ जाते थे ज़्यादा लोग देखे तो बस बंगाल में जो होता है ना है कब कितने लोग आते 600-700-800-1000 लोग आ जाते थे हैं जिसके घर में अच्छा प्रसाद हो बड़े बड़े सेठ के घर होते ना है अरे भाई क्या बताऊँ है अच्छा जी हम लोग के उनके पार्टी में हम लोग थे कम से कम 10-12 लोग थे मानो प्रसाद बनाया आज थोड़ा चल कर बादल हो गया ये हो गया तो प्रसाद लोग कम हो गया मानो तब भी जो है 100-150 लोगों के बनाते हैं
आज बंगाल के तो चावल बनाए, हाँ समझ में, चावल और दाल और बंद गोभी, इस समय बंद गोभी डूबी होता है, लफड़ा फड़ा बना देते हैं, अभी बना दिया 150 लोग के बताया, आ गया कितने 600-700 लोग हो गया है, तो अभी कैसे बना था रात में, जब रात 9 बजे फिर है बंद गोभी, हमारे एक बात है हमारी वो प्रभु था उनके घर में जाते हैं खेती में जो है बंद गोभी उखाड़ करके, रात 9 बजे हमारी याद है खेती से रात 9 बजे बंद गोभी के लेकर के धो करके फिर काट करके आलू और वो बंद गोभी दे करके सब्जी बना के सबको खिलाना पड़ता था, 12-1 बज जाता था और महाराज प्रवचन करते थे जब तक हमारी रसोई ठीक पूरा नहीं हो जाए वो प्रभु प्रवचन नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे हो गया रसी प्रसाद हो गया बन गया ना, तब जब उनके समाचार दोगे तब कथा को देखते वो हमारे जैसे स्वभाव है ना, उससे भी उनके भी उनके साथ रहते उनके स्वभाव हमारे ऊपर से हुए, माइक दिया जाए वो छोड़ेंगे नहीं है, आ समझ में नहीं, बंगाल में भी करते है 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक जब तक प्रसाद ये नहीं खत्म, देखा तो 150 लोग के मैंने प्रसाद बनाया, कहते महाराज आज के 150 लोग कहते अभी तो लोग बहुत हो गया है, बंगाल के लोग आ जाते सर, इतने लोग होते हैं बाहर है, हरी कथा कहाँ पर होते थे, घर में नहीं, वो होता है ना क्या बोले है अंगना भी नहीं, बाहर की जो जमीन पड़ा रहता है ना ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा रहता है हमें याद है, वहीं पर बस वो लगा दी थे, बोले क्या बोले क्या बोले बरी है ना, बरी को फाड़ फाड़ करके वो जैसे ये लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको टेंट जैसे, बरी को वही लगा देते हैं, और क्या बोलते हैं खड़ है, खड़ के क्या बोलते हैं भूसा, जिसको आप भूसा कहते हो हिंदी में है, गाय को जो खाने के दिए देता है वो बंगाल में जो है वो धान का ये होता है ना उसका हम लोग खड़ कहते हैं, उसको भी छाई देते हैं और उसी में बैठ करके लोग बैठक करके हरी कथा सुनता रहता है, ऊपर में क्या लगा दिया क्या बोला बरी का जो है ना पतला बरी का होता है ना उसको लगा दिया है, कहते हैं और बस बैठे रहते हैं है? इसमें माघ महीने में तो ठंडी तो पड़ता रहता है, फागुन महीने तक भी थोड़ा थोड़ा हल्का तो पड़ रहता है, और वो भी कभी कभी ये पड़ता है क्या भाई उस पड़ता है लोग बैठा रहता है रात बड़े बजे तक ऐसे करके बैठा रहेगा, और महाराज जो है हम देखा तीर्थंकर महाराज को जाए कथा शुरू कर दिया, बस 7 बजे से रात 11 बजे तक 10 बजे तो कम से कम 3 घंटा तो बोलेंगे महाराज, उनकी कथा जो है 3 घंटे से कम से पुरानी होगा कभी 4 घंटे तक बोल, यदि कहते महाराज अभी तो रसोई नहीं बना है, पहले कहेंगे बन गया कि नहीं है, और भी बंगाल में ही बनाने होते हैं, बंगाल में ज़्यादा जिसके घर में जाओ बहुत लोग शाकाहारी तो कम लोग होते हैं ज़्यादा लोग जो है मांसाहारी होते हैं समझ में आते हैं, उनके घर में आपको ये कहाँ मिलेगा रसोई बनाने के लिए कढ़ाई कहाँ मिलेगा, बंगाल में एक होता है क्या जिसके घर में वो होता है क्या बोले ये धान ये चावल बनता है ना जो चावल खाते इसको एक उबालना पड़ता है पहले पानी भर के उसे कढ़ाई बोलते हैं, बड़े बड़े कढ़ाई होता है समझ में नहीं, 20-25 किलो चावल ए क्या बोले धान ये उसकी होता है, हम लोग के घर में भी ऐसे सबके जानते हैं उसी कढ़ाई में जो है वो चावल और सब्जी बनाना पड़ता है, चावल पहले चावल बना लिया चावल बना करके केले के पत्ता के ऊपर सब डाल देते हैं और उसी कढ़ाई में जो है फिर दाल बनाते हैं पहले बना लेते क्या जो भाई एक दो दो महीने दो तीन महीने रहते ना बिल्कुल जो है तुमको ये कर देंगे इतना कर दिया है, और सेवक भी है गांव के लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी आप लोग कीर्तन करो आप लोग थोड़ा विश्राम करो हम बनाते हैं, आजकल सभी घर में ही है सब तो शिष्य बन गया, और ज़्यादातर जहाँ जहाँ पर जाते हैं वो लोग दीक्षा हरिनाम मंत्र आदि ले लिया शाकाहारी हो गया, तो वही लोग माताएं भी बनाते रहते हैं, हम लोग एक गौड़ी मठ पर गया जिसको भी दीक्षा नहीं हुआ उनको भी पानी तक भी ये नहीं कर लेना नहीं पड़ता, हम लोग के समय जो है
हैं, इतने कष्ट करना पड़ता था हैं, हम तो गए ये सब जगह में। अरे मोईपीठ से दे करके तुम्हारे घर कहाँ पर है? 24 परगना है, कहाँ पर है? डायमंड हार्बर लाइन में सब गए मैंने, डायमंड हार्बर सब मैं घूमा। मेरा मैं तो दो बार गए थे मैंने हैं, त्रिदंडी महाराज के साथ दो बार मैंने गए हैं। गोविंद प्रभु के जानते हो जो शक्तिगढ़ मठ में अभी है ही, वो है नहीं जानते हो? गोविंद प्रभु अभी तक, अभी जब वो सिलगुड़ी में जब उत्सव होते हैं वो आते हैं, कहते हैं अरे आप तो महाराज बन गए, हमारे साथ जाते थे आज से हैं, उनके साथ जाते थे, उनके साथ मैं रसीद बनाते था, उनके साथ मैं कलेक्शन में जाते थे हैं, रात में रसीद बनाना और दोपहर के सुबह उनके साथ कलेक्शन में जाते थे। एक गोविंद परम गुरुदेव का है, परम गुरु महाराज की शिष्य है गोविंद। अरे नहीं नहीं अभी तो अभी हम तो वो तो रहते हैं शक्तिगढ़ में ही है हाँ, काले होकर के ठीक है, ऐसे इनके जैसे है ऐसे होते हैं और थोड़ा आप हर साल आते हो अभी जब सावर सिलगुड़ी मठ में जब उत्सव तो मैं जाता हूँ हैं, और आते वो शक्तिगढ़ मठ में रहते हैं शायद, वो आरती बनाए कि नहीं बने वो हैं, वो मुझे वही सुनाते हैं है। आज पर्यटक महाराज के साथ भी गए बांकुड़ा है विष्णुपुर ये समस्त घूम। तो मैं ये काजले कह रहा हूँ हमारे त्रिदंडी महाराज माइक की जरूरत नहीं होता है, माइक दिया तो और भी अच्छा है, बस 3 किलोमीटर तक चला जाएगा ऊंचा करके हैं बस है। उस समय प्रचार भी बहुत कठिन था, अभी धीरे 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 भाई प्रचार होने लगे है, बंगाल में प्रचार होने लगे, लोग शिष्य भी बन गया, सेवक के अभी तो करना ही नहीं कुछ नहीं पड़ता है, अभी जगह कम हो गया प्रचारक बन हाँ। आजकल तो तुमके रसीद बनाना खूब कम रसीद बनाना पड़ता है हैं, आज समझिए हमारी हम मैं जो बता रहा हूँ पूछना जो पुरानी है उससे हम लोग सब यहाँ तो जिसको दीक्षा नहीं उनके बाल्टी भर करके पानी तक भी नहीं लेना नहीं पड़ता था है, उस समय तो नियम बहुत कठिन था है समझे है नियम, विशेष करके बांकुड़ा आदि में जो हम गए पर्यटक महाराज जी सर है, जिसको दीक्षा नहीं है अधीक्षक अधीक्षित जो है उनके हाथ के पानी तक है परस में पानी भी नहीं लेते, सब्जी काटना सब कुछ हम ब्रह्मचर्य सब करना पड़ता था है। आजकल तो दूसरी हो गया सब है, कहते हैं हाँ प्रभु जी सब दीक्षा आदि ले लिया है, बंगाल में जो है जहाँ जहाँ पर फील्ड में जाता है अधिकांश सब दीक्षित है जिस घर में है। अरे ऐसे जगह नहीं है, सब कहीं नहीं कहीं जो है इस्कन से लेकर के गोड़ी मठ से कितना गोड़ी मठ है हमारा है तो कहीं नहीं कहीं का है, हाँ समझ में मिल जाता है दीक्षित लोग मिल जाता है वहाँ, और वो लोग सहायता करते हैं है। हम लोग के समय जो उसमें चावल जो उठाना पड़ता था घर घर में जो है 5 किलो 2 किलो हम ऐसे लेकर जाते, आजकल तो ऐसे हो गया हम जानते हैं है। वो क्या करते हैं एक एक मोहल्ला में दे दिया तुम चावल कलेक्शन कर रख दो है कि नहीं है, केवल रसीद काट दिया है और भले इस मोहल्ला में एक व्यक्ति के कह दिया है आप चावल कलेक्शन कर रख दो, यहाँ पर रखेगा वो रखेगा, फिर एक दिन जो है गाड़ी उठा करके बा वैन ले करके फिर स्टोर में ले जाते हैं जहाँ पर लॉरी आए वहीं पर रखते हैं, ऐसे करते ही नहीं करते हैं, किंतु हम लोग के समय ऐसे नहीं था, सबको जो है हम लोग के सब सिर पर लेकर के आना पड़ता था है। ऐसे वो चकदा क्या क्या को जो, जो मैं तो नाम भूल गया, थोड़ा जाने से मेरे सारी याद हो जाएगी है ऐसा, अभी सब पुराने लोग नहीं है परिचित नहीं है सब, तो जैसे हमारे कैखल में जाते इस प्रभु के पास रहते थे, क्या बोले हाँ नहीं नहीं मईपीठ तो वो इसके उधर चले जाते हैं, ये कैखाली और ये सब जो है हमारे प्रभु आते थे ना शायद आप उसको देखा कि नहीं देखा, यहाँ पर आते थे इस कमरे में रहते थे, सब प्रभु कमरे में रहते थे, मोटा होकर वो ब्रह्मचारी था
एक परम गुरुदेव का शिष्य उस तरफ थे, हाँ एक दो साल हो गया चले गए, चले गए। और जैसे अभी जो जिसके घर में जाते हो, जो क्या नाम है, अरे है ये जो लड़का जो आए हैं, क्या उसके है मिथुन, उसके पिताजी का नाम क्या है, सुनील है, अरे नहीं तीर्थ महाराज के साथ में जो अभी जो आते हैं, सुखदेव का बेटा हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु तो है, हरे कृष्ण प्रभु भी हमारे साथ भी रहते थे, है उनके जाते हैं आश्रम जी, नहीं जो विशेष करके जो ये जो प्रभु जी है उसके पिता ने सर्वेश्वर ने किया था, अरे जो तीर्थ महाराज के साथ जो आते हैं उसके जिसका नाम भक्त, क्या नाम उसका भक्त कहते हो, भक्त है, है? उनके उन उस समय तो ये सब छोटे छोटे थे, हैं ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 साल के थे ये सब, हैं उनके पिताजी के ने उनके घर में ही हम रहते थे, उनके घर में रह करके उस स्थान को उस स्थान के आसपास में सब चोर डकैत बदमाश लोग सब रहते थे, हैं उनके उसके पूछना उनको उनकी याद है कि नहीं है, उनके सारे क्या बोले खेती के धान है ना सब काट करके लेके चले गए, हैं ऊपर के धान है ना ऊपर के ऐसे कट करके ले दिया, हाँ सब याद है मेरे, उनके घर में भी रहते थे, उसे भंडारा करते थे, हमारे तिदंडी महार उसके पास जाते थे, उस समय वो सबसे बड़ा जो है वो उस समय जो है कम से कम उस समय की बात है मेरे ख्याल से वो 3-4 मन जो है वो चावल देता था, उस समय 3-4 मन चावल देना भी बड़ी बात हो जाती, और उनके पूछे मैंने उसको वो जानते हैं समझ जो छोटे छोटे थे हैं उनके घर में रहते थे हैं फरी और भी जगह जगह में जाते थे हैं एक बार मेरे इसलिए इच्छा है एक बार घूम करके आता हूँ हैं वो सब लोग है कि नहीं है बहुत लोग चले गए पहचान भी नहीं मुझे पाएगा हैं क्यों बहुत साल मैं नहीं गया हैं कितने साल हो गए मैं नहीं गया हैं तो और ये सब कथा बोलते थे चलो पुराने पुराने इतिहास याद आ जाते हैं ना है उस समय की बात ये चलो हम समय हो गया 8 बजे याद आरती करो है इसलिए कहते इधरी का लीला भी उन्होंने इसे सुंदर भी दामोदर लीला भी कथा पाठ करते थे हमारे तिदंडी महाराज है बहुत आज श्लोक ऐसे एक एक श्लोक बोल ज़्यादा श्लोक नहीं बोलते एक श्लोक बोलते थे बस लोग कहते विराट पंडित है ये है वो जो है क्या बोले वो मैं जो श्लोक बोलते हैं ना जम प्रभिंद मुनपी तो कही तो कीर्तन और गले में ऐसे ऊंचा करके बोलते हैं बाबरे बाबा माइक फट जाएगा है बहुत बोलने की शैली भी इसी प्रकार है तो ये समझता फिर हैं चलो आगे की कथा हम इसलिए माँ जसोदा मैंने ये कथा सुनाया क्या सुनाया बाल गोपाल ने कहते माँ जसोदा ने बाल गोपाल के कान को पकड़ ली और एक हाथ में लट्ठी के साथ तू मुख खोल है देखा क्या अभी सब ब्रह्मांड के देखा माँ जसोदा कली क्या हो गया कई भूत पिशाच हमारे बालक के घेर लिया अपदेवता इसलिए उनके ब्राह्मण के बुला करके फिर गोमूत्र गोबर आदि के द्वारा स्नान कराते थे अनेक लीला है भाई लीला है इसलिए कहते इंद्री का से लीला भी आनंद कुंडे सघोष निमज्जंतम आक्षपयंतम तदीय से तज्ञ सुभक्ति से तत्व अच्छा इस लीला के द्वारा भगवान क्या कहना चाहते हैं इस लोग तदीय इस तज्ञ सु जो इस उन्हें भगवान की ईश्वर बुद्धि रखते कृष्ण की बाप ईश्वर बुद्धि रखने वाले है ऐश्वर्य मार्ग भक्त के भगवान ऐसे कहते हैं हे ऐश्वर्य मार्ग भक्त तुम्हारे प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं हूं है देखो माधुर्य भक्त के द्वारा मैं कैसे भक्त वशीभूत हूं मेरे माँ मेरे कान पकड़ता है किंतु ऐश्वर्य मार्ग के जो भक्त जो है भगवान के काम नहीं पकड़ेगा है कभी सुना नहीं गया ये माँ कौशल्या
राम को कान पकड़ा है, पकड़ा कभी नहीं, क्यों जानते ही भगवान है। भय दीन दयाला कुशल हितकारी, भय प्रकट दीन दयाला कुशल हितकारी। माँ कौशला जानती है ये मेरा बेटा है क्योंकि भगवान है, यह तो कभी वो भी छोड़ दीजिए, कौशला के राम लग्न छोड़ दीजिए, कृष्ण लीला में देवकी भी है जानते हैं, ये हमारी बेटा तो है किंतु ये भगवान विष्णु है, है इसलिए कौशल केवल देवकी भी कभी भी कृष्ण के जो है कान पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, अपने चरण की धूलि तक भी नहीं देते है। इसमें वर्णन है ये राम और कृष्ण, कृष्ण बलराम है जाकर के उन लोग के जब मन कंस वध के पश्चात पहले तो उग्रसेन के कारागार से मुक्त कराया, इसके पश्चात देवकी और वसुदेव के कारागृह में गए और कारागृह में जाकर उनकी मुक्त कराया, और मुक्त कराने के बाद ही कृष्ण बलराम ने किया कि देवकी और वसुदेव के चरण स्पर्श करने के जा रहे, किंतु देवकी वसुदेव उनका हाथ पकड़ लिया, करे नहीं नहीं हमारे चरण की स्पर्श मत करो, क्यों उनके सदा सर्वदा मन में ये भाव बैठा हुआ है देवकी वसुदेव की, ये तो हमारे पुत्र है किंतु भगवान है, भगवान हमारे चरण के कैसे स्पर्श करेंगे, मैं नरक में चले जाऊँ है। इसलिए कभी देवकी वसुदेव कभी कृष्ण कृष्ण बलराम के जो है अपने चरण स्पर्श करने भी नहीं दिया। और इधर देखो नंद जसोदा नित्य प्रत्यह कृष्ण बलराम प्रातः काल में उठ करके नंद जसोदा के निकट प्रणाम करते थे है? और उस समय नंद जसोदा क्या करते थे, अपने चरण धूलि बेटा के दे देते थे है? दोनों पैर कैसे कर देते, और कृष्ण बलराम नंद महाराज के चरण इस चरण को जो है अपने सिर पर लगा लेते थे, और नंद महाराज कृष्ण बलराम के आशीर्वाद देते थे है? और माँ जसोदा और भी दो उंगली आगे है, कहीं हमारे गोपाल की कोई कुछ ना हो जाए, वही नृसिंह मंत्र के द्वारा उनकी बंधन करते, माने कोई अपदेवता आकर के गोपाल को कहीं अनिष्ट ना कर दे, ऐसे करते थे हाँ समझे। वही कृष्ण देख करके हंसता था, वही नृसिंह तो मैं हूं है हाँ समझे। ओम नृसिंह ने मां नृसिंह तुम्हें, हे नृसिंह है हमारे बाल गोपाल को तुम रक्षा करो, नृसिंह मंत्र ओ उग्रवीर महावीर जन्म नृसिंह मंत्र है ना, बहुत पावरफुल मंत्र है, इसलिए माँ जसोदा कभी कभी नृसिंह मंत्र के द्वारा अपने बाल गोपाल के जो है रक्षा कवच आदि पहनाते थे, इसमें वर्णन है शास्त्र में है। और इसी देख गोपाल जी से बिल्कुल बाल गोपाल हा हा कर हंसता था, क्यों हंसते थे, कृष्णवाणी मन थे जो नृसिंह कह रहे हो वो नृसिंह तो मैं हूँ, मैं अब एक स्वरूप में नृसिंह, मैं नृसिंह बता रहा हूँ, मेरे और नृसिंह में कोई अंतर नहीं है, वत्सल भाव वत्सल का मेरे पुत्र है, ये ममता लग जाता है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता है, प्रेम की परिभाषा तो पहली प्रेम की परिभाषा क्या है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता है, ऐसे भाव से कितने सुंदर। अरे क्या हुआ मैया, इसमें कोई भूत है, चोर है, चोर भूत नहीं बोले मैया, चोर है इसमें, चोर जो है मेरा गेंद का जो है ये पकड़ कर नहीं दे रहा, रखा है माँ जो सदा कर बेटा कहाँ पर चोर है दिखाओ मुझे, बोले मैया इस कुएं में पड़ा हुआ है चोर, पानी में है। माँ जो सदा ने बाल गोपाल को ऐसे अपने गोद में लिया और माँ जो सदा भी झकने लगे है, माँ जो सदा कहे बेटा चोर नहीं है, चोर के माँ भी अंदर में है, चोर है और चोर के माँ भी है, पर है तात्पर्य क्या है, अरे ये चोर नहीं है, तेरे परछाई और मेरे परछाई, क्योंकि बालक थोड़ी समझते हैं, इसलिए माँ जसोदा कहते हैं बेटा चोर केवल चोर नहीं है, चोर के माँ भी इसमें अंदर है, समझ में आ रहा है।
है, ऐसे ऐसे लीला आदि होते हैं। फिर माँ यशोदा किसी प्रकार से जो है कुएं से जो है गेंद के उठा करके गोपाल को दे दे, अनेक लीला है। हमारे आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू है, और हमारी क्या बोले गोस्वामी के विभिन्न ग्रंथ में कृष्ण के अनंत लीला आदि अनेक लीला जो है समय समय पर वर्णन किया गया, बाल लीला से लेकर के समस्त लीला को, कुछ लीला को वर्णन है, कितने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इसलिए कहते हैं इंद्र का शरीर भी आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जंतम आक्षपयंतम तदीय ईशितज्ञेशु भक्ति तत्तंग पुनः प्रेम तत्तंग शतावृति वंदे। शतावृत्त मुनि कहते हैं ऐसे है गोपाल को और उनके साथ प्रेम रखने वाले भक्तों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। कृष्ण मैं जिसको प्रेम पूर्वक वंदना करता हूँ, अहो दामोदर कृष्ण की ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इस महीने में क्या करना है, सारे कृष्ण की सारी लीलाओं को तो चिंतन करें है, आज समझे कृष्ण के ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बाल लीला से लेकर के सख लीला है, वत्स लीला, और अंत में कौन सा लीला को चिंतन करें, माधुर्य लीला को चिंतन करें, रासलीला को चिंतन करें, अपने अपने भावों के आगे बढ़ाए, दास्य भाव से शुरू होते हैं और अंतिम कहां पर चले जाते हैं, माधुर्य में गोपी भाव है, भाव को उसमें बढ़ाए। भक्तिमान ठाकुर भी वर्णन करते हैं एक साधक साधन कैसे करते रहे है, पहले दास्य, फिर आगे बढ़ाओ सख वात्सल्य, फिर धीरे 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 बढ़ाते जाओ माधुर्य भाव को है, गोपियों के भाव है। ये नहीं है फिर जाम दे करके है, लंफा दे करके है माधुर्य भाव में दौड़ जाना बा राष्ट्र में चले जाना उचित नहीं है। भक्तिमान ठाकुर इसके बनाते क्रम दिखाते हैं, भक्तिमान ठाकुर क्रम दिखा रहे हैं ये कैसे कैसे हम एक एक लीला में प्रवेश करें, लीला माधुर्य की प्रवेश करें है, वत्स लीला से लेकर के सब सखाओं की लीला भी बहुत मधुर है, कौन सा लीला नहीं है कृष्ण का है। इसलिए तो सुखदेव को समय बैठ गए हैं, ओके इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतं दस्संगतानं परदैवतेन मयाश्रितानं नरदारकेन सार्धं वेजहो कृतपूर्ण पुंजा हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में कहते हैं इद्रिक इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत। पहली श्लोक में पहले लाइन में मानो उद्धव क्या बोले सुखदेव गोस्वामी पाद अद्वैतवादी के थोड़ा है तिरछी नजर से उन लोगों के समालोचना करने लगे, कहने लगे रे अद्वैतवादी तुम ब्रह्म लोक में व ब्रह्म में शामिल होना चाहते हो है, आज में रुखा सुखा है क्या, रस में है ही कुछ, कुछ तो है ही नहीं है, उस ब्रह्म में तुम लीन होना चाहते हो, रस के तुम्हारे ज्ञान नहीं है, जो अरसज्ञ जो है अरसज्ञ काक चुसे ज्ञान निम्न फले है, तुम अरसज्ञ हो जैसे मैं चैतन्य चैतामृत में कह रहे ना है, अरसज्ञ काक चुसे ज्ञान निम्न फले, ज्ञान रूपी निम्फल, निम्फल जानते हो निम्फल किसे कहा जाता है, एक कड़ुआ जो फल होता है उसके है थोड़ा सा आहे होता है गिरी होता है थोड़ा कड़ुआ लगता है, काई कौआ खाता है वो है, आया समझे है क्या है, मेरे भी याद आ जाता है हमारे घर के जो है पास जो है आंगन में एक बड़ा एक नीम पेड़ था है, नीम पेड़ होते हैं और जो नीम फल जब पक जाता है ना इतना बड़ा बड़ा था वो नीम फल पक जाता था, कोई छोटा छोटा तो होता है इतना बड़ा, उसके अंदर जब पक जाता है वो ए वर्ण हो जाता है, क्या बोले पीले वर्ण हो जाता है आज समझे, उसके भी खा उसके नीम छिलका उठा दो
मीठा लगता है, हैं, किंतु जिसको बीज जो होता है कड़वा लगता है, हैं, कौए क्या कहता है उसको खा लेते हैं और खा करके बीज को टट्टी कर देते हैं, हैं, देखा है ना अपने, हैं, विशेष करके चैत चैत महीने में, बैसाख चैत में, हैं, फिर फागुन के शेष और चैत के पहली, हैं, शुरू शुरू में वो नीमफल पक जाता है, हैं, मेरे याद है हमें जो छोटे छोटे थे ना, हम लोग किसी प्रकार जो वो नीम पेड़ में चढ़ जाते थे और चढ़ करके वो नीम फल का जो है जो माने क्या बोलते हैं हरुद वर्ण हो गया, पीले पीले हो गया, उसे पढ़ कर ऐसे ऐसे खाता था, किंतु कभी भूल बसत एक्सीडेंटली उसके नीम फल के जैसे काट दिया दांतों में तो तीता लगता है, नहीं तो उसके वो गिरी होता है ना, गिरी समझते हो, गुदगुदा मीठा मीठा होता है, और यदि पका नहीं है, पका नहीं तो उसमें जो दूध के भांति सफ़ेद दूध के भांति निकलेगा और वो खा लिया बाद दो दिन वो आपको जो है तीन दिन मुंह आप जो है ये होते रहेगा, इतने कड़वा होता है, हैं, देखा कि नहीं, जो बंगाल के जो हमारी बात समझते हैं, आप लोग की तो बाकी आप लोग की तो ऊपर से बोले क्या बोल रहे हैं, हैं, है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नीम फल, किंतु यहाँ पर क्या कृष्णदास कविराज क्या है, और असज्ञ काक चुसे ज्ञान निम्ब फले असज्ञ ककील है, हैं, खाए प्रभाम्र मुकुले, तो इस श्लोक में मानो सुखदेव गोस्वामी पात अद्वैतवादी को तीर से नजर से कटाक्ष पात करते करें इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतम, हे अद्वैतवादी लोग तुम जो बहुमानन करते हो ब्रह्म सुख के लिए है, वो ब्रह्म सुख बेकार है, भक्त के निकट यानी प्रेमिक भक्त के निकट वो ब्रह्म सुख अत्यंत तुच्छ है, जुगनू के भांति है, है? और भी तो चैसल कहते हैं और असक काकचु से ज्ञान नीम फले, कौआ कहां पर बैठता है, है? नीम के पेड़ पर बैठता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी लोग नेति नेति के द्वारा का 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 है, तात्पर्य ये नहीं है नहीं है नहीं है, है? वेदों में इतने सुंदर भगवान के सुंदर रूप वर्णन होते जा रहे हैं, पुराण में है भगवान कैसे सुंदर वर्णन होता है, भागवत में कृष्ण कैसे सुंदर रूप वर्णन हो रहा है, है? आप कहते हैं ये नेति नेति नहीं है नहीं है माने ब्रह्म के रूप नहीं है, है? रे भगवान के इतने सुंदर रूपों के वर्णन हो रहे हैं वेद पुराण उपनिषद, है? और तुम कह रहे हो भगवान के रूप नहीं है, और उपवत तत्प्राधान्य एव ही, अरे वेद में तो कह दिया, वेद का अर्थ तो तुम समझ नहीं पाते, वेदांत सूत्र में और उपवत तत् प्रधान्य एव ही, और उपवत जिनके रूप के साथ कोई रूप है ही नहीं, इसलिए तो और उपवत वत शब्द अर्थ होता है तुल्यार्थी, हैं, समझ में, जैसे मुखचंद्र किसी के मुख चंद्रमा के भांति गोलाकार है माने और अत्यंत जो है डिलाइटफुल है, इसलिए केवल आंशिक होने के नाते आंशिक सादृश्य होने के नाते हम उदाहरण देते क्या है, देखो इसके मुख कैसे है चंद्रमुख, पहले चंद्रमुखी हो जाता है फिर सूर्यमुखी हो जाता है और फिर ज्वालामुखी होता है, हाँ भैया शादी के पहले है प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे के कहते हैं चंद्रान ने आहा तुम्हारे मुख कैसे चंद्रमा के भांति है, हाँ? और शादी के बाद फिर दो चार साल बाद दो चार बच्चा हो जाता है पै 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 टैं 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 शुरू हो जाता है, हैं? तब क्या होता है एक दूसरे के गला एक झगड़ा होता रहता है सूर्यमुखी होता है, तब सूर्यमुखी माने दोपहर के समय गर्मी के समय जो ताप देने वाले होते हैं बास है घर में तो टैं 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 बै 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 चलता रहता है और झगड़ा चलता रहता है सूर्यमुखी, फिर इसके बाद क्या हो जाता है ज्वालामुखी वोल्केनो, है पत्नी की एक शब्द है सुनने में असहन हो जाता है कहते मैं घर में ऑफिस में काम कर करता हूँ घर में आता हूँ तो घर में ऑफिस में भी है जाला और घर में भी जाला क्या करें, है घर में आ गया बहू कह देती है पत्नी क्या बोली ये काम नहीं है वो काम नहीं है वो ही नहीं ये नहीं वो नहीं है बस झगड़ा शुरू हो जाता है, हैं? ये तुम्हारे करना था ये हमारे करना था बस, हैं?
ज्वालामुखी हो जाता है। सूर्यमुखी पहले क्या होता है? चंद्रमुखी। शादी नहीं हुआ ना, चंद्रमुखी शादी हो गया तेरा? हाँ, चंद्रमुखी बोलो उनको, हाँ जिससे शादी करना है ना, बोले तुम बहुत सुंदरी हो चंद्रमुखी, हाँ। और शादी हो जाए फिर है? दो चार साल के बाद फिर क्या होगा? सूर्यमुखी हो जाए है? और फिर क्या होगा? ज्वालामुखी छेड़, बाप रे बाप, घर संचल सन्नास ले लो है। बोले महाराज आप हमें घर में रख लो, मैंने हमें मठ में रख लो, और पत्नी वहीं पर है। पत्नी कहते नहीं महाराज आप मुझे रख लो, उनको जाने दो है। ज्वालामुखी चंद्रमुखी सब है। इसलिए कैसे किसने कह रहे हैं हमारे कृष्णदास कविराज जो कह रहे हैं ये और असज्ञ काकचुषे ज्ञान निम्न फले, इसको रस के ज्ञान नहीं है। माने यहां पर सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतम। हे ज्ञानी लोग, तुम लोग जो ब्रह्म सुख के बहुमानन करते हो, ब्रह्मलीन कह करके 1108 ब्रह्मलीन कह करके बहुत प्रतिभा लेते हो है। वृंदावन में जाओगे ना, लिखा रहता है कौन सा महात्मा है, 1108 ब्रह्मलीन महात्मा लिखा रहता है। हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, 108 सतश्री है। वो लोग लिखते हैं क्या, 1108 ब्रह्मलीन महात्मा। अपने के कितना बड़ी मानते हैं, ब्रह्मलीन के श्रेष्ठ मानते हैं, ब्रह्म ज्योति है ऐसे मानते रहे। किंतु वो ब्रह्म ज्योति क्या है, क्या इसलिए कहते हैं वो है प्रेमामृत के निकट अत्यंत तुच्छ माना जाता है। इसलिए कहते तंग सतंग ब्रह्म सुखानुभूतम। अरे दासं गतानां परदैवतेन, चलो ब्रह्मदेव के ब्रह्मलीन को छोड़ करके आगे कहते हैं, फिर कहते हैं जो दास भाव रखने वाले हैं भगवान के श्रेष्ठ मानते, भगवत बुद्धि रखने वाले दास लोग जो होते हैं है, दासं गतानां परदैवतेन। दास भक्त क्या करते हैं, भगवान के श्रेष्ठ मानते हैं, परदेवता श्रेष्ठ देव दासं गतानां परदैवतेन। मायाश्रितानां नरदारकेन, और जो लोग बिल्कुल जो माया के द्वारा मोहित है वही भगवान के सुते ही साधारण मनुष्य है, है? मनुष्य साधारण मनुष्य मानते हैं। जैसे दुर्योधन आदि माया के द्वारा मोहित होकर भगवान के साधारण मनुष्य मान रहे हैं, ग्वाल वाल समझ रहे हैं। दस संगतान प्रद माया से नरदार गण सार्धंग विजु कृतिपुण पुंजा, अहो ये सखा को देखो सौभाग्य कैसे, अभी तो शक्कर उसके बनने है। बाल गोपाल के काम पर चढ़ जाते हैं, काम पर चढ़ाते हैं, अपने झूठन गोपाल को खिलाते हैं, उनके झूठन खाते हैं, लौकिक सद्बंध बहुत प्रति रखते हैं। विपद आपद में गोपाल के साथ ही है, गोपाल ही हमारे प्राण है, कितने मधुर भाव रखते हैं देखो है। इतंग सतम ब्रह्म सुखानुभूतम दस गतनांग परदैवतन मासतन नरवतारगुण श्राद्धम विजयकृत पुण्य पुंजा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते महाराज पर के ब्रजवासियों के देखो, विशेष करके सख रस के भक्त के देखो कैसे कृष्ण के गलबंठन देकर के चलते हैं, गला में हाथ लग रख करके हैं, ऐसे कितने के मधुर भाव है, सख भाव है। सखा सख भावे करे स्कंद आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग आमी तुम्ही सम है। ये समझते लीलाएं दिखाते रहते हैं, सख लीला वात्सल लीला भी मधुर है, वो भी वैत वात्सल तब वैत वर्णन करते जाए, और उससे आगे रसमाधुर्य किस में है, माधुर्य रस में है। कृष्ण किस प्रकार सखियों के साथ है लीलादि करते रहते हैं, विशेष करके ये रास लीलादि है गोविंद कैसे सुंदर मधुर लियो लीला, सर्वोत्तम जो लीला है रास लीला। जय जय जलो रास सर्व रस सार, पारो किया भवे जथा ब्रजित प्रचार है। पराकृत भाव संपन्न, तो समझते गोपियों के साथ
कैसे प्रेम विहार आदि करते हैं, जिसे किसी ने किसी को नहीं पता ही नहीं है। कृष्ण के प्रकट लीला में बहुत कम लोगों की पता था ये कृष्ण एकांत रूप में गोपियों के साथ विहार आदि करते हैं, दो चार छोड़ कर के बाकी किसी को पता नहीं था हैं। नहीं तो प्रज्ञा तो रस पूर्णता नहीं होगा हैं, किसी को पता लग जाए ये मेरे पत्नी के साथ कृष्ण विहार करते हैं तो कृष्ण का आधा कुटा कर देंगे। नहीं आधा कुटा जानते हो हैं, अदरक है ना, अदरक के ऐसे कूटते रहते, आधा छेचा छेचा कर देते हैं। इसलिए जोग माया किसी को पता ही नहीं लगा दिया है। आज में ये जो रासलीला की कथा कब वर्णन हुई, कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद है, तो सुखदेव गोस्वामी पाद मानो पहली बार सुखदेव परीक्षित महाराज को ये रासलीला कथा श्रवण करा रहे हैं। ये तो पहले किसी को पता ही नहीं था। लीला तो है कृष्ण गोपियों के साथ, दो चार गो है, जैसे कुंदलता के छोड़ करके कुंदलता आदि, अथवा माँ जसोद क्या बोले रोहिणी देवी के सामान्य रूप में कुछ आभास रूप में कुंदलता की भी पता है, बिंदा देवी के पता है, इलू लीला सहायक है हैं। हाँ समझिए, इसके छोड़ करके बाकी साधारण ब्रज ब्रजवासी नंद महाराज के पता ही नहीं है, माँ जसोद के बिल्कुल पता ही नहीं है। बात्सल रस जो है श्रृंगार रस की विरोध कहा जाता है ये सब माना गया शास्त्र में लिखा है हैं। एक है बैरी रस और एक होता है मित्र रस है, इसके लिए वर्णन किया गया कौन रस के साथ कौन रस, मित्र रस होता है। श्रृंगार रस के साथ शक्कर रस क्या होता है, मित्र रस कहा जाता है। वात्सल्य रस के साथ दास्य रस के मित्र रस कहा जाता है। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस क्या होता है, बैरी रस हो जाता है, बैरी माने विरोध हो जाता है। ये समस्त वर्णन है शास्त्र में, जोग वियोग अनेक प्रकार है। रस तत्व के पढ़ने के शास्त्र, रस शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत कुछ आपको जानना पड़ेगा, किसको मित्र रस कहा जाता है, किसको बैरी रस कहा जाता है, है? सखाओ के जो कैसे सखा विशेष प्रिय नर्मा सखा आदि है, ये समस्त क्या है। श्रृंगार रस के मित्र रस कहा जाता है, सहायक होते हैं। जैसे हम वो गए थे कहाँ, श्रृंगार क्या बोले भंडीर भट्ट, भंडीर भट्ट में एक बार कृष्ण सखियों के साथ लीला आदि कर रहे थे हैं, भंडीर भट्ट में लीला आदि कर रहे, मिल रहे थे, हास परिहास चल रहे थे, स्वयं राधा जी के हाथ पकड़ करके चल रहे थे हैं। और इतने समय चंद्रावली के एक सुख जो है वो आ गए, आकर के चंद्रावली के समाचार दे दिया, हे चंद्रावली तुम्हें छोड़ करके आज कृष्ण भंडीर भट्ट में राधा जी के साथ विहार आदि कर रहे। बस उसके बाद सुनकर के चंद्रावली ने किया कि जटिलाकुट के समाचार दे दिया, अरे तुम यहाँ पर तुम्हारे घर में तुम्हारे बहू कहाँ है, राधा जी घर में आए, बोले ना तो नहीं है, कहाँ गई, बोले तो बोले गए सखाओं के सखियों के साथ पानी भरने के लिए जुमुना गई, अरे नहीं है बेकार की बात है, विश्वास नहीं करो, जाओ वही भंडीर भट्ट में हैं, भंडीर भट्ट में आज कृष्ण हैं तुम्हारी बहू के साथ प्रेम विहार आदि कर, हाँ ऐसे है हैं। जटिला ने क्या की, चल और इस समय क्या की, कृष्ण के अथवा राधा जी के सुख और सारी है हैं, जल्दी करिए जटिला आ रही है भंडीर भट्ट में, तुम लोग की जो है रंगली हाथ में पकड़े गए है। और इसके कहते सुन करके राधा आदि गोपियां सब डर गई, पर क्या की जाए है, जटिला तो आ ही गए मानो। उस समय कृष्ण कहने लगे हे राधे सखी हो तुम चिंता मत करो, जाओ तुम लोग घर चले जाओ। और इसके बाद क्या कि सुबल के जो है राधा जी के वेश बना दी है, देखो सुबल है ना, सुबल के मुख और राधा जी के मुख बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ समझ में, राधा जी के देखने में सुबल के देखने में राधा जी के देखने में बिल्कुल ऐसे भ्रमित हो जाएगा आप हैं। मुख यदि केवल मुखामृंद दिखा जाए, सारे अंगों के ढका रख दिया जाए और केवल सुबल के यदि मुख दिखा आपको दिखा जाया जाए, आप भ्रमित हो जाएगा ये लड़का है कि लड़की है, ऐसे वर्णन है।
सुवल की सुवल और राधा में इतने माने क्या बोले सिमिलरिटी है, सादृश्य है। तो सुवल के क्या बना दी, कपड़ा पहना दिया है, और कपड़ा पहना दे करके घूंघट लगा दी है, और स्वयं कृष्ण सुवल के हाथ पकड़ करके चलने लगे, कभी कभी बीच बीच में उनके तरफ देखने लगे, घूंघट उठा करके देखने लगे, कभी आलिंगन कर करने लगे, चुम्बन आदि करने लगे। आ जुटीला देख लिया, बोले हाँ हमारे बहू के साथ, बोले ओ हल्ला मचाया, पूर्णवास आदि सबके बुलाया, देव विश्वास नहीं करता, देखो रंगीले हाथ में पड़े है और हाथ पर, और सारे जो है वयोवृद्धा ब्रज के जितने वयोवृद्धा जो है स्त्रियां आई है, और इतने समय मधुमंगल पीछे से सुवल की चुंदरी है ना ऊपर की ढका ढका था, कपड़ा जीत गया वो खींच दिया, बस सारी कपड़ा खोल गया है, और सखा लोग हाथ ताली देने लगे, हंसने लगे। पूर्णमासी देवी आदि जितने भी वयोवृद्ध जो है जुटिला को लेकर अदाकुटा करने लगे, मूर्ख है, अरे ये सखा लोग यहाँ पर गाय चराने के लिए आए हैं, यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं हा? और ये तुम्हारे बहू मान करके सारे ब्रज में हल्ला कर दिया, लज्जा शर्म नहीं है तेरी है? घर की बात बाहर में जाकर फोड़ते हो है? ये तुम्हारे बहू है, ये राधा है। जोटिला देखा हाँ, कान पकड़ के बोले आज से कभी नहीं, इतना पूर्णमासी आदि इतने डटने लगे है, मूर्ख तू है, स्वभाव बन गया तेरा, अरे ऊपर में थूको, थूक दे ऊपर में थूका, वो थूक कहां पर आएगा, तुम्हारी मुख पर आएगा, मूर्ख अपने घर की बात है घटाई नहीं कुछ, ये राधा है तेरी बहू है, देख ये तो सुबल है। सखा यहां पर सखा लोग अपने आप खेल के संग साथ खेल कूद कर रहे हैं, तेरा लज्जा शर्म नहीं है, चलो। तो इसी प्रकार जो है तात्पर्य क्या है, ये सब कोई सुबल आदि मधुमंगल आदि राधा कृष्ण की लीला की सहायक है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, मित्र रस कहा जाता है, है? अच्छा सिंगार रस की सहायक मित्र रस कहा जाता है, अनेक लीला है, मैं तो एक बता अनेक लीलाएं हैं है? कितने सुबल मिलन की लीला, राधा कुंड की सुबल मिलन की लीला आप लोग ने श्रवण किया, ये भी लीला भैंडूर वर्ड में, ये भी लीला है ब्रज में, अनेकों स्थान में जाओ मधुर लीला की है, सखाओं की जो है ये सब सखाओं जो है, है कौन सा सखा, प्रिय नर्मा सखा है, ये प्रिय नर्मा सखा सुबल सुदाम आदि, इसको प्रिय नर्मा सखा जी कहते हैं, राधा कृष्ण की लीला में ये सहायक बनते हैं है, इसलिए इसे कहते हैं मित्र रस कहा जाता है बैरी रस, इसमें क्या वात्सल्य सिंगार रस की क्या हो जाता है, बैरी रस हो जाता है माँ जशोदा किसी प्रकार से विश्वास नहीं करे, बाल गोपाल माँ जशोदा के स्तन पान कर रहे है, 5 साल के बालक मानो गोपाल माँ जशोदा के गोद पर गोद में बैठ करके स्तन पान कर रहे, माँ जशोदा बाल गोपाल के जो है बाल को क्या बोलते हैं सिरहान क्या केस को जो है ऐसे ऐसे कर रहे है, अकस्मात माँ जशोदा देखा क्या गोपाल के मुंह पर जो है गाल पर जो है कुछ नाखून के चिन्ह है, कुछ जो है सिंदूर के चिन्ह दिखाई पड़ा है, कहते मेरा बालक की यहाँ पर कैसे लाल लाल मिट्टी कैसे आ गई है, आ समझे इतने से पूर्ण एक कुंदलता आई, कुंदलता कहने लगी माँ जसोदे तुम्हारे ये मिट्टी थोड़ी है, ये सिंदूर है, ये गोपियों की मस्तक के सिंदूर है, ये लाल लाल जो आप जो नाखून के गोपियों की नाखून के था, बोले क्या है, अरे कैसे होगा ये तुम्हारे बालक तो अभी तुम्हारे स्तन पान कर रात में रास करती है, रास माँ जशोदा बसल रसने के नाते रास शब्द के क्या अर्थ ले रहे, छोटे छोटे बच्चा जिसे नित्य गीतम रासम, रास के अनेक परिभाषा है, है? जहां पर छोटे छोटे बच्चा जो है, है? हाथ पकड़ करके एक छोटा बालक एक बालिका हाथ पकड़ करके नाचते रहते हैं, ये भी तो रास का रास शब्द करते नित्य गीतम आनंद समान, तो माँ से तो वही विचार करने लगे है? हो सकते है हमारे बालक गोपाल जो है छोटे छोटे बालिका के साथ नित्यादि का है, और ये लाल लाल क्या है सिंदूर नहीं है, माँ से तो क्या सोच रही है, ये काल जो है मारे मेरा गोपाल जो है जब गोचारण के आए हैं आए थे, मेरे दासियां जब ठीक रूप से गोपाल को स्नान नहीं कराया
अथवा जमुना के लाल मिट्टी इनको लग गया है, ऐसे विचार करें। नाखून के दाग नहीं है, ये क्या है? मानो जंगल के कांटे जो है, गोखरे कांटे होते हैं ना, है सेसाई में आप जाओगे वहीं पर आपको गोखरे कांटे दिखाई पड़ेगा जंगल में, है अच्छा जंगल के रास्ते में जाओगे ना गोखरे कांटे बहुत है वहीं पर, है आजकल बहुत साल तो उधर तो गए ही नहीं कई साल से, है अच्छा कोकिला वन होते हुए आगे चरण पहाड़ी है जाते ना सेसाई जो जाते हैं वहाँ पर जंगल के रास्ते होते चलो है बहुत गोखरी गोखरी कांटे होते हैं पैर में लग जाए निकलेगा नहीं, और ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे कांटे के भांति ऐसे पकड़े। तो माँ जसोदा सोचने लगी कि हमारे बालक जो है काल गोचारण में गए थे, गोवत्स चरण के गए थे, कहीं एक गोखरे के कांटे की दाग लग गया नाखून है। माँ जसोदा सोची भी सोचेंगे ये गोपियों के साथ आलिंगन चुम्बन नित्य आदि करते रहते हैं, नहीं बैजी रस हो जाता है उसमें, इसलिए कहते हैं वत्सल रस श्रृंगार रस की माधुर रस की क्या हो क्या बोले पर के रस भाव के क्या हो जाता है बैजी रस हो जाता है। इसमें तो वर्णन है, एक जोग होता है, एक संयोग होता है, वियोग होता है, जोग वियोग संयोग, इसमें तो रस में यानी कितने प्रकार की भेद आदि बताया गया है, पढ़ना पड़ेगा है तब तो एक एक उदाहरण भी दिया गया शास्त्र में है। बैरी रस किसे कौन रस किसके मित्र होता है किसके शत्रु होता है, बैरी माने शत्रु है, शत्रु रस मित्र रस, रस तत्व में आलोचना होती है। बलो वृंदावन बिहार 8:30 बजे बजा देना है। जय जय श्री राम।